उत्तराखंड की खबरों की बात करेंगे। इस बार के बजट को लेकर मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत का कहना है कि बजट गरीब तबके को ध्यान में रखकर पेश किया जाएगा। आपको बता दें कि 3 मार्च से गैरसैंण में शुरू होने वाले बजट सत्र को लेकर त्रिवेंद्र सरकार व्यवस्थाओं को बेहतर करने की बात कह रही है। साथ ही आशा वर्कर्स के मानदेय में भी 3 गुना वृद्धि की गई है। उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार पहले से ही आम आदमी और गरीब तबके के लिए तमाम योजनाएं चला रही है, लेकिन इसका लाभ जनता तक पहुंचे और व्यवस्थाएं बेहतर हो, इस दिशा में कोशिश की जा रही है। बजट में भी इस बात का विशेष ख्याल रखा जाएगा। त्रिवेंद्र सरकार के बजट का इंतजार उत्तराखंड की जनता को है और बजट को लेकर तैयारियां जोरों पर हैं। दिनेश पांडे हमारे साथ हमारे सहयोगी जुड़ रहे हैं। दिनेश, बजट को लेकर तैयारियां, और जाहिर सी बात है जब बजट पेश होने वाला होता है तो सभी की निगाहें उस बजट पर जा टिकती हैं कि उनके लिए उसमें खास क्या होने वाला है, लेकिन मुख्यमंत्री के बयान को किस तरह से देखें? देखिए पंकज, बिल्कुल, अब ये इसको हम ये मानने की चुनावी वर्ष का बजट भी कहें तो बेहतर होगा, क्योंकि अगले साल चुनाव के चुनावी मोड में पूरी गवर्नमेंट चली जाएगी। तो ये इस वर्ष का जो आम बजट है वो बेहद जो देखने वाला होगा, क्योंकि हर किसी की निगाह जिस तरह से राज्य में जो है विकास, निवेश और आम आदमी की सहूलियतें, इन तीनों चीजों को देखकर जो है लोग टकटकी लगाए हुए हैं। हालांकि मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने सोशल मीडिया के माध्यम से और तमाम अन्य जनमंचों के माध्यम से भी लोगों की राय पहले ले ली है, और आगामी 3 तारीख से गैरसैंण में होने वाले इस विधानसभा सत्र के दौरान बजट में सरकार आम आदमियों को क्या सहूलत देती है, व्यापारियों को किस तरह से छूट मिलती है, या जो प्लान डेवलप है, नॉन प्लान डेवलप है, उसका खाका किस तरह से रखेगी, इन सब को लेकर जनता को भी इंतजार है। हालांकि मुख्यमंत्री ने ये आश्वासन दिया है कि इस तरह इस बार का बजट विशेष रूप से जो है आम जन, गरीब, निर्धन, इन लोगों की भलाई के लिए और प्रदेश के विकास के लिए लाया जाएगा। अब देखना यह है कि जो विधानसभा सत्र में है वो बजट का किस तरह का प्रारूप होता है और जनता को किस तरह का लाभ इस बजट से मिलेगा। दिनेश, एक महत्वपूर्ण बात यह कि आशा वर्कर्स लगातार मानदेय को लेकर प्रदर्शनरत रही हैं, आंदोलनरत रही हैं। 3 गुना वृद्धि की गई है मानदेय में, इस खबर में कितनी सच्चाई और क्या आशा वर्कर्स संतुष्ट हैं? जी देखिए, लंबे समय से आशा वर्कर इस बात को लेकर आंदोलनरत थी। अब मुख्यमंत्री ने स्वयं ये कहा है कि वो आशा वर्करों के 3 गुना वेतन बढ़ाने की तैयारी कर रहे हैं और संभवतः उसके लिए बजट में इस बार प्रावधान भी कर देंगे। तो वे कहीं ना कहीं उन आशा वर्कर जो सालों से अपने वेतन को लेकर आंदोलनरत थी, उनके लिए राहत की खबर है। लेकिन सरकार इस वेतन का क्या प्रारूप रखेगी और किस तरह से उनको वेतन की नियमावली के हिसाब से किस तरह उनको आवंटित करेगी या क्या उनका पैमाना होगा, ये सब आने वाले समय में सरकार उचित फोरम पर रखेगी। लेकिन फिलहाल जब मुख्यमंत्री ने खुद अपने स्तर पर यह कहा है कि वो ये फैसला लेने वाले हैं, तो जाहिर सी बात है कि ये उन लोगों के लिए राहत की खबर है। बहुत बहुत शुक्रिया दिनेश, आपका इस जानकारी के लिए।